We are revising chapter Nazism in Germany. So today I'm going to revise topic Reconstruction of Germany, Nazi Germany under Hitler. As you know, Hitler came to power. Hitler was becoming popular. Earlier Hitler became popular in Germany. Then he came to power. पहले तो वो popular हुआ था, बाद में वो enabling act pass करके power में आया. तो जब वो popular हुआ ना, he made lots of promises with the people of Germany. आपको याद होगा जैसे उसने कहा था कि he would bring back Rhine Valley and Ruhr. He would denounce the terms of the Treaty of Versailles. वो economic crisis को solve करेगा, सब कुछ जर्मनी में दोबारा पीस मेंटेन करेगा. तो ये सारे प्रोमिसेस बिफोर कमिंग टू पावर ही मेड विद द पीपल ऑफ जर्मनी. तभी तो लोगों ने इसे मसीहा बोला था, मैसेंजर बोला था, सेंड बाय गॉड. अब रियलिटी में जब हिटलर पावर में आया तो उसने सच में जर्मनी की रिकंस्ट्रक्शन की. उसने जर्मनी के लिए बहुत, नो डाउट ही वाज पुअर. आप उसका एक साइड देखते हो, कॉइन के टू साइड्स होती हैं कॉइन की, ठीक है ना. उसको सेम एज हिटलर, हिटलर एक साइड को हम कहेंगे वेरी क्रूअल, क्योंकि उसने जो ज्यूज के साथ किया, जिप्सीज एंड ब्लैक्स के साथ किया, तो वो आप कहो कि बहुत उसकी क्रूअल उसका बिहेवियर शो करता है नाजिस का. अगर हम रिकंस्ट्रक्शन की बात करें, नॉर्डिक आर्यन के लिए बात करें, जर्मनी की डेवलपमेंट की बात करें, तो कहीं ना कहीं उसने सब कुछ किया भी जर्मनी के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल तो इकोनॉमिक रिकवरी के लिए उसने क्या क्या किया, आपका यही फर्स्ट पॉइंट बनेगा, इकोनॉमिक रिकवरी या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आप कह सकते हैं. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए उसने फर्स्ट. रिकंस्ट्रक्शन का फर्स्ट पॉइंट आप ये कह सकते हो कि हिटलर ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए. इसके लिए उसने एक इकोनॉमिस्ट था उसका जलमर, जलमर शैट. He was the economist of Hitler. Hitler ने economic reforms की सारी responsibility किसे दी, Chalmers Schacht. Chalmers Schacht जो था ना, वो था economist. Economist था Hitler का. And Chalmers Schacht जो था ना, he aimed at full production and full employment through a state-funded work creation program. जलमर शैट बिलीव्ड इन फुल प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट. उसने कहा अगर फुल प्रोडक्शन, जर्मनी में फुल प्रोडक्शन होएगी, हर एक के पास काम होएंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट होएगी, तो अपने आप इकोनॉमिक क्राइसिस आप इंडिया ही ले लो, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाए, सबके पास वर्क हो करने के लिए, ठीक है, और प्रोडक्शन जो है वो भी प्रॉपर हो और वर्क भी सबके पास प्रॉपर वर्क हो, तो क्या यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन लोगों की पुअर होएगी. जब हर एक के पास काम होएगा तो हर एक की कंडीशन ठीक होएगी. तो जर्मन शैट की ये बात अच्छी थी, उसने एम्ड एट फुल प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट. तो एक तो उसने इस बात पे स्ट्रेस दी. नेक्स्ट, अब जर्मन शैट जो था ना, उसने एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया, प्रोजेक्ट प्रोड्यूस द फेमस जर्मन सुपर हाईवेज एंड पीपल्स कार द वॉक्स वेगन. जर्मन सुपर हाईवे एंड वॉक्स वेगन कार. तो जर्मनी में लोग कारों में आते थे, बाद में इतनी चीप कार इंट्रोड्यूस की थी वॉक्स वेगन. तो एक तो जर्मन सुपर हाईवेज उसके प्रोजेक्ट में आता था एंड देन वॉक्स वेगन. तो हिटलर ने तो उसको भी काम से ही निकाल दिया था, बिकॉज हिटलर कभी भी किसी की बात नहीं सुनता होता था. इसने हिटलर को, जब हिटलर ने आर्मी अपनी इंक्रीज की ना, नंबर ऑफ सोल्जर्स, तो इसने रोका कि अभी इतनी ज्यादा खर्चे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे. तो हिटलर कभी भी किसी को अपने ऊपर नहीं सोचता था, वो खुद की मर्जी करता था. तो हिटलर ने डिसमिस कर दिया था फ्रॉम द जॉब. ये था इकोनॉमिस्ट एंड जर्मन शैट एम्ड एट फुल प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट. फुल प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू अ स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम. एंड जो प्रोजेक्ट था दैट प्रोड्यूस्ड फेमस जर्मन सुपर हाईवे एंड पीपल्स कार द वॉक्स वेगन. तो ये था इकोनॉमिक रिकवरी के लिए उसने जर्मन शैट को अपॉइंट किया. अब हिटलर की फॉरेन पॉलिसी क्या थी, फर्स्ट हो गया इकोनॉमिक रिकवरी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. अब फॉरेन पॉलिसी क्या थी हिटलर की, फॉरेन पॉलिसी
तो आप ऐसे लिखोगे रिकंस्ट्रक्शन में फर्स्ट यू विल राइट अबाउट इकोनॉमिक रिकवरी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में आप बताओगे कि उसने जल्मर शैड को अपॉइंट किया, ही वाज इकोनॉमिस्ट जिसका एम था फुल प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट, और उसके प्रोजेक्ट में आती थी सुपर हाईवे, जर्मन सुपर हाईवे एंड पीपल्स कार वॉक्स वेगन. नो व्हाट्स अबाउट द फॉरेन पॉलिसी, हिटलर ने सबसे पहले राइन लैंड रीऑक्यूपाई की. He reoccupied Rhineland in 1936. In 1936, he reoccupied Rhineland and he integrated Austria and Germany in 1938. Austria and Germany ko ikattha kiya with the slogan, he reintegrated Austria and Germany. ऑस्ट्रिया उसकी बर्थ प्लेस थी, जर्मनी का वो रहने वाला था. इन 1938 में उसने दोनों को इकट्ठा किया, ही री इंटेग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938 विद द स्लोगन. अब स्लोगन देखो, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर, वन पीपल वन, ये सारे एक ही हैं, वन एम्पायर है ये और लीडर एक ही है, दैट इज हिटलर. लिसन अगेन, इकोनॉमिक रिकवरी इसमें आप बताओगे, रिकंस्ट्रक्शन में आप बताओगे कि व्हेन हिटलर वाज बिकमिंग पॉपुलर ही मेड लॉट्स ऑफ प्रॉमिसेस विद द पीपल ऑफ जर्मनी एंड व्हेन ही केम टू पावर ही फुलफिल्ड हिज प्रॉमिसेस फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी. फर्स्ट ऑफ ऑल ही इंट्रोड्यूस्ड, ही वांटेड टू, आप कह सकते हो डू इकोनॉमिक रिकवरी या इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इसे आप फर्स्ट पॉइंट बना के लिख सकते हो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. फिर आप कहोगे जल्मर शैड वाज एन इकोनॉमिस्ट, वो इकोनॉमिस्ट था, हिटलर ने उसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी. एंड जल्मर शैड एम्ड एट फुल प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट, और इसके प्रोजेक्ट में आती थी सुपर हाईवे, जर्मन सुपर हाईवे एंड पीपल्स कार वॉक्स वेगन. नेक्स्ट हम कहेंगे फॉरेन पॉलिसी. फॉरेन पॉलिसी में हम कहेंगे 1936 हिटलर रीऑक्यूपाइड राइन वैली. आपको पता है राइन वैली जो कि लाइट पावर्स ले ली थी, फ्रांस ने ले ली थी, तो इसका इंडस्ट्रियल टाउन था, हिटलर ने उसे रीऑक्यूपाई कर लिया, दोबारा अपने पास वापस ले आया, जीत लिया इन 1936. एंड इन 1938 ही रीइंटेग्रेटेड होता है इकट्ठा कर लेना, ज्वाइन कर लेना, ही रीइंटेग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी बाय द स्लोगन. अब स्लोगन देखो कैसा, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर, वन पीपल, दोनों ही एक ही एक तरह के लोग हैं, इनकी एक ही एम्पायर है और इनका लीडर भी एक ही है, और वो लीडर कौन था, हिटलर. मीन्स अपनी बर्थ प्लेस और जहाँ पे वो रहता था दोनों को उसने रीइंटेग्रेट कर लिया, इकट्ठा कर लिया. नेक्स्ट वॉर पॉलिसी. अब हिटलर ने वॉर पॉलिसी में क्या क्या किया, हिटलर वॉन्टेड द टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ, आप टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी लिख सकते हैं, टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ जर्मनी, टेरिटोरियल एक्सपेंशन. अब इसमें उसने क्या क्या किया, यू नो इट वेरी वेल, हिटलर जर्मनी के जो नॉर्डिक आर्यन थे ना, ही वांटेड टू गिव देम बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, वो उन्हें ज्यादा स्पेस देना चाहता था रहने के लिए, लिविंग स्पेस. विल्बेंस्ट्रम आप पढ़ चुके हो, है ना, तो इसमें उसने क्या क्या किया, हिटलर एक्सपेंडेड द टेरिटरीज ऑफ जर्मनी. अब सितंबर 1939 में ना उसने पोलैंड पे अटैक किया, ही अटैक्ड ऑन पोलैंड, दिस स्टार्टेड अ वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड. अब 1940 में उसने एक ट्री पार्टेड पैक्ट साइन किया बिटवीन जर्मनी इटली एंड जापान, जर्मनी इटली एंड जापान के साथ उसका एक ट्री पार्टेड पैक्ट साइन हुआ, जिससे हिटलर पूरे इंटरनेशनल पावर जो थी ना उसकी बढ़ गई. फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1939 ही इन्वेडेड पोलैंड. अब पोलैंड पे जब अटैक किया ना तो उसकी फ्रांस और इंग्लैंड के साथ वार स्टार्ट हो गई. नोटिस द टेरिटोरियल एक्सपेंशन, 1939 में हिटलर अटैक्ड पोलैंड. First of all, you will write, Hitler wanted the territorial expansion of
Germany. He wanted to give more space to Aryan people to live. He wanted to improve their living standard. तो उनको मोर स्पेस देना चाहता था. अब स्पेस कहाँ से लाता, दूसरी कंट्रीज पे अटैक करता. अब 1939 में देखो, 38 में उसने ऑस्ट्रिया जर्मनी को इकट्ठा किया, 39 में उसने किस पे अटैक किया, इन्वेडेड पोलैंड, बिकॉज ही वांटेड था क्या, टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ जर्मनी. तो इसके लिए उसने पोलैंड पे अटैक किया. अब पोलैंड पे अटैक करने से उसकी फ्रांस एंड इंग्लैंड के साथ उसकी वार हो गई. 1940 में उसके झगड़े स्टार्ट हो गए इंग्लैंड एंड फ्रांस के साथ. अब हिटलर ने ट्री पार्टेड पैक्ट साइन किया. ही साइन ट्री पार्टेड पैक्ट बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान. जर्मनी, इटली एंड जापान में अब क्या साइन हुआ, ट्री पार्टेड पैक्ट. तीन पार्टियों में समझौता होना, ट्री पार्टेड पैक्ट. जर्मनी, इटली एंड जापान के साथ उसका ट्री पार्टेड. ऑस्ट्रिया तो देखो उसने पहले ही अपने अंडर कर लिया, पोलैंड तो उसने अटैक कर लिया. तो ट्री पार्टेड पैक्ट वाज साइंड बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान. अब इनमें ट्री पार्टेड पैक्ट साइन हुआ. दिस स्ट्रेंथन्ड हिटलर्स क्लेम टू इंटरनेशनल पावर. हिटलर जो था इंटरनेशनल लेवल तक हम कहेंगे कि पावरफुल हो चुका था बाय दिस पैक्ट, बाय दिस ट्री पार्टेड पैक्ट. ट्री पार्टेड का मतलब है तीन पार्टियों में समझौता होना. ट्री पार्टेड पैक्ट के साथ हिटलर जो है वो इंटरनेशनल लेवल तक पॉपुलर होता चला गया. नेक्स्ट, नाउ हिटलर स्टार्टेड अटैकिंग ऑन ईस्टर्न यूरोप. ही वांटेड टू कॉन्कर ईस्टर्न यूरोप. तो ये हिटलर का ना बहुत अधिक बड़ा ड्रीम था. वो ईस्टर्न यूरोप को अपने अंडर करना चाहता था. काफी देर से वो लगा हुआ था ईस्टर्न यूरोप को अपने अंडर करने में. तो इसके लिए उसने सोवियत यूनियन पे अटैक किया. ही अटैक द सोवियत यूनियन बट डिड नॉट गेट सक्सेस. तो इसको हिटलर का एक ब्लंडर माना गया है, प्रॉपर हिस्टोरिक ब्लंडर कहा गया इसे. तो इसीलिए हम कहेंगे ईस्टर्न यूरोप पे अटैक. अब आपका फोर्थ पॉइंट बन जाएगा अटैक ऑन ईस्टर्न यूरोप मींस रशिया वाली साइड, ईस्टर्न यूरोप. तो दिस वाज द ड्रीम ऑफ हिटलर टू ब्रिंग ईस्टर्न यूरोप अंडर हिज कंट्रोल. क्योंकि वो, हम खुद ही कहते हैं, वो ज्यादा लैंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन चाहता था. तो वो सिर्फ टेरिटोरियल एक्सपेंशन ही नहीं चाहता था, ही वांटेड द प्रॉपर फूड सप्लाई आल्सो. वो फूड, उसको था कि फूड ग्रेन्स की भी कभी भी शॉर्टेज ना आए आर्यन लोगों को. उनके लिए वो इतना सोचता था उनके पास लिविंग स्पेस हो, उनके पास प्रॉपर फूड सप्लाई हो. तो ये सब कुछ के लिए उसने ईस्टर्न यूरोप को अपने अंडर करने का डिसीजन लिया. ही डिसाइडेड टू ब्रिंग ईस्टर्न यूरोप अंडर हिज कंट्रोल ताकि प्रॉपर फूड सप्लाई उसे मिल सके उसके लोगों को. एंड ही अटैक्ड ऑन सोवियत यूनियन इन 1941. सोवियत यूनियन पे उसने 1941 में अटैक कर दिया बट उसे सक्सेस नहीं मिली. ही डिड नॉट गेट सक्सेस. तो उसका ये जो अटैक था ना, ये अटैक उसका एक हिस्टोरिक ब्लंडर माना गया. लिसन अगेन. सबसे पहले तो इकोनॉमिक, हिटलर ने जर्मनी की रिकंस्ट्रक्शन कैसे की. फर्स्ट ऑफ ऑल तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाना चाहता था वो, बिकॉज इन जर्मनी इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ थी. जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे. आप खुद ही, हम कहते हैं कि जर्मनी की करेंसी की वैल्यू डाउन थी. तो सबसे पहले तो उसने चल्मर शैट, उसका एक इकोनॉमिस्ट था, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी फॉर द इकोनॉमिक रिकवरी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की. ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए इन जर्मनी. जल्मर शैट का जो एम था, ही एम डेट फुल प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट. उसने कहा सबको जॉब्स दो, अपने आप इकोनॉमिक रिकवरी हो जाएगी. तो इसका जो प्रोजेक्ट था दैट इंक्लूडेड जर्मन सुपर हाईवे एंड पीपल्स कार वॉक्स वेगन. उसने बहुत चीप रेट पे कार इंट्रोड्यूस की थी लोगों के पॉकेट मनी, लोगों की मनी, उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग. तो नेक्स्ट हम कहेंगे कि हिटलर ने फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी हेडिंग बनाएंगे. इसमें हम बताएंगे कि 1936 में हिटलर ने सबसे पहले राइन वैली को रीऑक्यूपाई किया.
क्योंकि वो इंडस्ट्रियल टाउन था, तो इंडस्ट्रीज फुल प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट, उसके लिए इंडस्ट्रीज भी तो चाहिए थी। तो 1936 में उसकी राइन वैली उसके पास आ गई एंड इन 1938 उसने री इंटेग्रेट किया, इकट्ठे किया किसको, ऑस्ट्रिया अपनी बर्थ प्लेस एंड जर्मनी को, बाय गिविंग द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर, दैट वाज हिटलर। फिर उसने टेरिटोरियल एक्सपेंशन की, हिटलर वॉन्टेड टू गिव मोर लिविंग स्पेस टू द आर्यन पीपल, आर्यन लोगों को ज्यादा लिविंग स्पेस देना चाहता था, एंड फॉर दैट ही डिड ही अटैक पोलैंड, उसने पोलैंड पे अटैक किया इन 1939, क्योंकि वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन चाहता था, लोगों को ज्यादा स्पेस देना चाहता था। देन ट्री पार्टेड पैक्ट वाज साइंड बिटवीन जर्मनी इटली एंड जापान, तीनों में एक ट्री पार्टेड पैक्ट साइन हुआ, तीन पार्टियों में समझौता हुआ, एंड दिस स्ट्रेंथन हिटलर्स क्लेम टू इंटरनेशनल लेवल तक वो पावरफुल हो गया। अब अटैक ऑन ईस्टर्न यूरोप, हिटलर का शुरू से ड्रीम रहा था टू ब्रिंग ईस्टर्न यूरोप अंडर हिज कंट्रोल, वो प्रॉपर फूड सप्लाई देना चाहता था टू आर्यन पीपल, टेरिटोरियल एक्सपेंशन प्लस फूड सप्लाई, तो दैट्स व्हाई ही वांटेड टू ब्रिंग ईस्टर्न यूरोप अंडर हिज कंट्रोल। And in 1941, he attacked on Soviet Union. He didn't get success in this attack, but this came to be known as his historic blunder. So this is about, और साथ में हम कहेंगे हिटलर इंक्रीज द, उसने अपनी हम कहेंगे कि आर्मी की रिकंस्ट्रक्शन की, इंक्रीज द नंबर ऑफ द सोल्जर्स, उसने सोल्जर्स का नंबर इंक्रीज किया। वेन चेल्मर, अब चेल्मर ने उसे रोका, जलमर आस्क्ड हिम नॉट टू डू सो, क्योंकि देर वॉज शॉर्टेज ऑफ, अभी भी हम कहेंगे तो देर वर इकोनॉमिक क्राइसिस, अभी भी कहीं ना कहीं थोड़े से क्राइसिस जर्मनी को फेस करने पड़ रहे थे। तो जलमर ने हिटलर को सजेशन दी कि वो आर्मी का नंबर इंक्रीज ना करे। हिटलर की डिक्शनरी में कहते नो नहीं था, उसकी डिक्शनरी में नो वर्ड नहीं था, वो जो कहता था वो करता रहा, उसने इसको डिसमिस कर दिया फ्रॉम द पोस्ट ऑफ इकोनॉमिस्ट, क्योंकि इसने मना किया था, तो देयर वाज नो वर्ड ऑफ नो इन द डिक्शनरी ऑफ हिटलर, हिटलर की डिक्शनरी में नो वर्ड कहीं पे भी नहीं था, उसने इसको डिसमिस कर दिया फ्रॉम द पोस्ट ऑफ इकोनॉमिस्ट, क्योंकि जलमर ने हिटलर को रोका था, वो इकोनॉमिस्ट था, उसे पता था कि अभी अगर इंक्रीज करेगा ना नंबर ऑफ सोल्जर्स तो कहीं ना कहीं फिर बर्डन बढ़ जाएगा उसे, उनको इतने ज्यादा लोगों को सैलरीज देनी पड़ेगी, तो फिर उसके ऊपर दोबारा बर्डन बढ़ जाएगा, उसने रोका कि अभी ये नहीं करना, बट देयर वाज नो प्लेस ऑफ नो इन द डिक्शनरी ऑफ हिटलर, तो ही डिसमिस द जर्मन शेफ फ्रॉम हिज पोस्ट। दिस यू कैन राइट इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी, नाउ इज इट क्लियर, फर्स्ट इज इकोनॉमिस्ट को लेके आया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए, लोगों के लिए जिसने कहा कि ही एम्ड एट, उसका इकोनॉमिस्ट कैसा था, ही एम्ड एट फुल प्रोडक्शन फुल आप कहोगे एम्प्लॉयमेंट, और साथ में लोगों के लिए उसने क्या इंट्रोड्यूस करना चाहिए, पीपल्स कार वॉक्स वेगन एंड जर्मन सुपर हाईवे उसके प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड थे। फॉरन पॉलिसी में आप कहोगे कि राइन वैली अपने अंडर लाया, क्योंकि अब लोगों को जॉब्स लेनी थी तो इंडस्ट्रियल टाउन्स लाने थे, फिर उसने ऑस्ट्रिया को अपने अंडर दिया और एक स्लोगन दिया वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। फिर उसने टेरिटोरियल एक्सपेंशन की, रीजन बताओ ना क्यों टेरिटोरियल एक्सपेंशन की, बिकॉज ही वांटेड टू गिव आप कहोगे कि बेटर प्लेस टू द आर्यन पीपल टू लिव इन जर्मनी, उन्हें बेटर प्लेस देना चाहता था, उन्हें हाई फाई लिविंग स्टैंडर्ड देना चाहता था टू आर्यन पीपल, इसके लिए उसने टेरिटोरियल एक्सपेंशन की। 1939 में पोलैंड पे अटैक किया, नो डाउट उसका झगड़ा यूके एंड फ्रांस के साथ स्टार्ट हो गया, फिर उसने ट्री पार्टेड पैक्ट साइन कर लिया जर्मनी इटली एंड जापान के साथ, इससे वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल तक पॉपुलर हो चुका था, अब वो ईस्टर्न यूरोप पे उसका कॉन्फिडेंस कहते बढ़ता चला गया ना, तो फिर ओवर कॉन्फिडेंस ही लेके जर्मनी को डूबा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जर्मनी बिकेम ओवर कॉन्फिडेंट एंड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी फिर ओवर कॉन्फिडेंट हुआ है, ईस्टर्न यूरोप पे जाके अटैक कर दिया सोवियत यूनियन पे, तो ईस्टर्न यूरोप पे जो अटैक किया क्यों किया, क्योंकि फूड सप्लाई की वो प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना चाहता था।
लैंड की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी, फूड सप्लाई की भी। तो सोवियत यूनियन पे 1941 में अटैक किया, सक्सेस नहीं मिली, तो ये एक ब्लंडर ही बन के रह गई बात। नंबर ऑफ सोल्जर्स इंक्रीज किए, तो दिस जलमर वॉज नॉट इन दिस फेवर, ही आस्क्ड हिटलर नॉट टू डू सो, बट देर वॉज नो प्लेस ऑफ नो इन द डिक्शनरी ऑफ हिटलर। हिटलर डिसमिस जलमर शैट फ्रॉम हिज पोस्ट, इसको उसने पोस्ट से हटा दिया क्योंकि हिटलर कभी भी नो नहीं सुनता था। सो दिस इज अबाउट द इकोनॉमिक, अगर हम गए ना कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी अंडर हिटलर। अब अगर मैं कहूँ, आपको मैंने कहा था देयर वर डिफेक्ट्स इन वीमर कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट यू नो अबाउट द डिफेक्ट्स इन वीमर कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लेड टू कोलिशन गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट को पावर में लाती थी, पार्टीज हैंड ज्वाइन करती थी। इन इंडिया वी आर फॉलोइंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वेयरएज इन जर्मनी लोगों को ये डिफेक्ट लगा। हम इसे इंडिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वी आर फॉलोइंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वेयरएज जर्मनी के लोगों को ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं ना कहीं उन्हें डिफेक्ट लगा, वो इस बात की फेवर में नहीं थे। सेकंड उन्हें डिफेक्ट क्या लगा, उन्हें आर्टिकल 48 जो था ना कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 48 ने ना प्रेसिडेंट को पावर्स दी हुई थी टू इम्पोज एमरजेंसी, सस्पेंड सिविल राइट्स एंड रूल बाय डिक्री। तो हमारी कंट्री में वी आर फॉलोइंग दिस, वीमर रिपब्लिक का 48 आर्टिकल जो था ना उसने प्रेसिडेंट को पावर्स दी हुई थी। कौन सी पावर्स थी, प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता था, प्रेसिडेंट लोगों के सिविल राइट्स को सस्पेंड कर सकता था, एंड प्रेसिडेंट रूल बाय डिक्री। तो ये हमारी कंट्री में हमारा प्रेसिडेंट सब कुछ उसको पावर्स दी हुई है। इन अवर कंट्री अगर आप पढ़ चुके हो प्रेसिडेंट की पावर्स, तो प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी पावर्स, तो जब वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करता है तो ही हैज फुल राइट टू सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स गिवन टू द सिटीजंस। तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंसेस इशू करता है, हमारी कंट्री में तो हमने सब कुछ यही फॉलो करते हैं। कहीं ना कहीं जर्मनी के लोग, क्योंकि वो डेमोक्रेसी की फेवर में नहीं थे, तो उन्हें ये डिफेक्ट्स लगे जबकि ये डिफेक्ट्स नहीं थे। तो क्या कौन से डिफेक्ट्स वीमर कॉन्स्टिट्यूशन में उनको लगे, सबसे पहले तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एंड वी आर फॉलोइंग दिस इन इंडिया। आप इंडिया ही बताओगे इसमें, आपको यही बताना है कि विच वर द टू डिफेक्ट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताओगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, फिर आप बताओगे आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो था ना वीमर का, दैट गेव पावर्स टू, इमरजेंसी पावर्स टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड सिविल राइट्स ऑफ द सिटीजंस एंड रूल बाय डिक्री। तो दीज वर द टू डिफेक्ट्स, लोगों को ये दोनों डिफेक्ट्स लगे इन वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। आपको कहीं से ये डिफेक्ट्स लग रहे हैं, मुझे तो नहीं लग रहे, आपको लग रहे हैं, नो बिकॉज वी आर इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। वो लोग डेमोक्रेसी की फेवर में नहीं थे, दे वर इन द फेवर ऑफ डिक्टेटरशिप, तो इसीलिए वो उनको ये डिफेक्ट्स लगे। उनको लगता था कि प्रेसिडेंट को क्यों पावर देनी इतनी, तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये उनको डिफेक्ट्स लगे। नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन जर्मनी में आए थे। अब हाइपर इन्फ्लेशन होता क्या है, हाइपर इन्फ्लेशन ऐसी सिचुएशन है जब प्राइजेज राइज हाई, व्हेन प्राइजेज ऑफ गुड्स राइज हाई, जब गुड्स के प्राइजेस बढ़ते चले जाएं। व्हाट यू मीन बाय हाइपर इन्फ्लेशन, व्हेन प्राइजेस ऑफ गुड्स राइज हाई, और ये जर्मनी में आए, हाइपर इन्फ्लेशन आई इन 1933 जब जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइसिस आए, तो हाइपर इन्फ्लेशन जर्मनी में भी आई। रीजन क्या था, जर्मनी का जो रूलर था ना केसर विलियम, उसने लोन लिया था फ्रॉम अदर कंट्रीज, एंड जब उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़नी थी, तो व्हाइल टेकिंग लोन ही प्रॉमिस दैट ही वुड गिव बैक दिस लोन इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। तो अब वीमर रिपब्लिक को वो जब गोल्ड की फॉर्म में वापस करना पड़ा ना, तो गोल्ड रिजर्व्स ऑफ जर्मनी गॉट डिप्लीटेड डे बाय डे, एक तो ये रीजन था। फिर जर्मनी का राइन वैली एंड रूहर इंडस्ट्रियल टाउन्स जो थी ना, दे वर आल्सो टेकन बाय अलाइड पावर्स। अब जर्मनी के पास उसके इंडस्ट्रियल टाउन्स नहीं थे, जर्मनी के पास आयरन रिजर्व्स, गोल्ड रिजर्व्स नहीं थे,
तो ये सब कुछ जर्मनी में बहुत सी प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही थी। प्राइजेज ऑफ गुड्स जो थी ना वो बढ़ते जा रहे थे जर्मनी में, और करेंसी की वैल्यू डाउन जा रही थी। जर्मनी में करेंसी की वैल्यू फेल डाउन इन ट्रिलियंस, नॉट ओनली इन बिलियंस बट इन ट्रिलियंस। जाते थे ना वो अपने साथ कार्ट भर के, पैसों की कार्ट भर के लेके जाते थे टू बाय लोफ ऑफ ब्रेड। एक ब्रेड खरीदने के लिए कार्ट भर के पैसों का लेके जाते थे। तो इन दिस वे जर्मनी में हम कहेंगे कि प्राइजेस जो थे, अब जिस चीज की कमी होगी उस चीज के रेट्स बढ़ेंगे। तो देयर वाज शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स इन जर्मनी। तो जब शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स होगी तो प्राइजेस ऑफ फूड ग्रेन्स रोज हायर, स्काई रॉकेटेड हो चुके थे। इतने हाई रेट हो चुके थे तो लोगों की कंडीशन नहीं थी, अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग अगर हम करेंसी को सोचें तो वो ट्रिलियंस में डाउन जा चुकी थी। तो इसी को हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है, क्योंकि गुड्स के प्राइसेस बढ़ते चले गए और उधर से इकोनॉमिक कंडीशन पुअर होती चली गई। अब इसके पीछे रीजन क्या था? फर्स्ट रीजन अगर आप बताते हो तो आप यही बताओगे कि जर्मनी ने लोन लेके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ी थी रूलर ने, और वो लोन किस फॉर्म में देना था? गोल्ड, गोल्ड रिजर्व्स खाली हुए। सेकंड आप रीजन क्या बताओगे कि जर्मनी की जो करेंसी की वैल्यू थी ना वो भी डाउन गई, करेंसी की वैल्यू ट्रिलियंस में डाउन गई, और उधर से गुड्स के प्राइसेस हाई हो रहे थे, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, लोग कार्ट भर के ब्रेड खरीदने चाहते थे, मीन्स ब्रेड इतनी महंगी वहां पे जर्मनी में, तो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट, उनके पास उनके इंडस्ट्रियल टाउन्स नहीं थे, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज भी जर्मनी में कम हो चुकी थी, और वैसे भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी थी। अगर गुड्स मार्केट में थी बट पीपल हैड नो मनी टू बाय दोज गुड्स, लोगों के पास पैसा नहीं था उन चीज़ों को खरीदने के लिए, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो थी दैट वॉज वेरी पुअर, क्योंकि जर्मनी वॉज फाइनेंशियली क्रश्ड। जर्मनी की फाइनेंशियल कंडीशन जो थी दैट बिकेम वेरी पुअर आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स रोज हायर, तो नो डाउट मैं कह रही हूँ मार्केट में चीजें थी बट पीपल हैड नो मनी टू बाय दोज गुड्स, अनएम्प्लॉयमेंट थी, इंडस्ट्रियल टाउन्स नहीं थे, तो इस वजह से आप बताओगे हाइपर इन्फ्लेशन, प्राइसेस बढ़ रहे थे बट लोगों की कंडीशन नहीं थी चीजें खरीदने की, बिकॉज वैल्यू ऑफ द करेंसी इन जर्मनी फेल डाउन, इतनी डाउन गई थी ट्रिलियंस में, तो वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम्स डे बाई डे बढ़ती जा रही थी। तो इस वजह से आप ये तीनों टॉपिक आई थी, प्रॉब्लम, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी, डिफेक्ट्स। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम यही बातें मानते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हमारे यहाँ पे है, प्रेजिडेंट के पास है एमरजेंसी पावर हमारे पास है, और हमारे प्रेजिडेंट एमरजेंसी पावर्स के टाइम सिविल लिबर्टीज को सस्पेंड कर सकते हैं ड्यूरिंग नेशनल एमरजेंसी के टाइम। एंड हमारी कंट्री में प्रेजिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंसेज, स्पेशल ऑर्डर्स इशूड बाय प्रेजिडेंट व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। तो वही चीज़ें जर्मनी के लोगों को डिफेक्ट्स में दिखी, उन्हें वही चीज़ें गलत लगी, उन्हें विम्बर कॉन्स्टिट्यूशन में डिफेक्ट्स लगे, क्योंकि पीपल वर नॉट इन द फेवर ऑफ, लोग किसकी फेवर में नहीं थे, डेमोक्रेटिक फॉर्म।